व्लादिमीर पुतिन, वो शख्स जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड की नींदें उड़ा रखी है और पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ मोड़ लिया है, और कारण है इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया। 24 फरवरी 2022 को आखिरकार दुनिया को पता चल गया कि रशियन ट्रूप्स बड़े पैमाने पर यूक्रेनियन बॉर्डर पर क्या करने की कोशिश कर रही थी। बट इन सब चीज़ों से अपने दिमाग में तो एक ही ख्याल आता है, आखिर पुतिन भैया चाहते क्या है? इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्रो लाइक यू। रशियन एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट की एक कहावत बड़ी फेमस है, आई हैव नो वे टू डिफेंड माई बॉर्डर्स बट टू एक्सटेंड देम। और इसी कहावत के बेस पर रशियन एम्पायर का एक्सपेंशन बाल्टिक रीजन से लेकर व्लादिवोस्तोक तक हो गया, जिसे बाद में सोवियत यूनियन के नाम से जाने जाने लगा। और वही सोवियत यूनियन 1991 में 15 देशों में टूटकर बिखर गया। सोवियत यूनियन के पतन को व्लादिमीर पुतिन ने 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल कैटास्ट्रोफी बताया। रशिया ने 30 लाख से अधिक का क्षेत्रफल खो दिया, जिसके कारण ज़्यादातर रिमलैंड चली गई और हार्टलैंड भी संवेदनशील हो गया फ्यूचर थ्रेट के चलते। रिमलैंड उन जगहों को कहा जाता है जहां पर अधिकतर आबादी निवास करती है, और वर्ल्ड के ज़्यादातर रिसोर्सेज इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं, और यहां से समुद्री रास्ता एक्सेस करना भी बहुत आसान है। ऑन द अदर हैंड, हार्टलैंड टोटली लैंडलॉक होते हैं और इन जगहों से समुद्री रास्ता एक्सेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोवियत यूनियन के आखिरी दिनों में एक बुरी तरह से चोट लगी, लेकिन अभी भी सांस लेने वाला रूसी भालू के नसों को शांत करने के लिए वेस्टर्न देशों ने वादा किया कि नाटो का विस्तार ईस्टर्न यूरोप की तरफ एक इंच भी नहीं करेंगे। इस प्रॉमिस के बावजूद नाटो ने अपना विस्तार जारी रखा। मार्च 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाटो का पहला एक्सपेंशन चेक रिपब्लिक, पोलैंड और हंगरी तक हुआ। 5 साल बाद और 7 देश, इंक्लूडिंग 3 बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जो कि रशिया के साथ सीमा साझा करते हैं, नाटो में शामिल हो गए। रशिया ने इस स्टेप को डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखा। 1990s की शुरुआत में रशिया के साथ नाटो की सीमा नॉर्वे के नॉर्दर्न स्ट्रिप तक सीमित थी, लेकिन अब नाटो की एस्टोनियन बॉर्डर से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 160 किलोमीटर से कम की रह गई है। रशिया फील थ्रेटेंड, बट रशिया उस समय जवाब देने में सक्षम नहीं था। ऑन द अदर हैंड, व्लादिमीर पुतिन को सन 2000 में एक कमजोर देश, जिसकी कमजोर इकोनॉमी और डायरेक्शन लेस फॉरेन पॉलिसी विरासत में मिली। लेकिन जब 2008 में यूएस ने बुदापेस्ट समिट में जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप का वादा किया, रशिया जो कि सोवियत एरा से उभर रहा था, उस स्टेप का फोर्सफुली रिस्पॉन्ड किया। ऑन द अदर हैंड, यूक्रेनियन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी 500 किलोमीटर से भी कम है। नाटो पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग के करीब आ चुका है, और यदि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो ये रशियन सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट चैलेंज होगा। हाल ही के वर्षों में पुतिन ने हर एक क्राइसिस को ज्योग्राफिकल अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की है, स्पेशली इन फॉर्मर सोवियत रीजन, साउथ ओसेटिया और अबकाजिया, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक जो कि जॉर्जिया से अलग हो गया है, अभी रशियन समर्थित रिबेल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन में डॉनबास रीजियन रशियन समर्थित रिबेल्स के हाथों में है। 2020 में कॉन्ट्रोवर्सियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब बेलारूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, उस समय व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सहायता भेजी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। उसी वर्ष रशिया ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए हजारों पीस कीपर्स भेजे और काकेशियस रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बना ली। 2021 के शुरुआत में बेलारूस के लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन के समर्थन से यूरोपियन यूनियन के पोलिश बॉर्डर पर माइग्रेंट क्राइसिस स्थापित कर दी, और रिसेंट कजाकिस्तान अनरेस्ट को संभालने में पुतिन ने बड़ी भूमिका निभाई। और यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो वो भी रशियंस को फेवर करती है। अफगानिस्तान से अमेरिका के शेमफुल विड्रॉल ने सेंट्रल एशियन कंट्री को और अधिक रशिया की तरफ धकेल दिया है। ऑन द अदर हैंड, यूरोपियन कंट्रीज रशियन गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और अभी अभी यूरोपियन यूनियन ने स्विफ्ट के तहत रशियन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है।
पर उन बैंकों को छोड़ दिया गया है जिनसे यूरोपियन कंट्रीज रशिया को गैस का भुगतान करती है। वर्षों तक कोल्ड वॉर के विजेता वेस्टर्न कंट्रीज ने पुतिन को एक सुस्त टैक्टिशियन माना जो कि राजनीति नहीं समझते। बाइडेन ने तो उन्हें किलर बता दिया लास्ट ईयर, लेकिन जब वेस्ट का रिस्पॉन्स रशिया के प्रति एकेडमिक्स में खो गया, उसी वक्त पुतिन धीरे धीरे अपनी पकड़ रिमलैंड पे मजबूत कर रहे थे बाय डीस्टेबलाइजिंग जॉर्जिया एंड यूक्रेन, और अपने होल्ड को रिस्टेब्लिश किया बेलारूस, ककेसियस रीजियन और सेंट्रल एशिया में। मॉस्को ने नेटो के फर्दर एक्सपेंशन को ऑलमोस्ट रोक दिया, और अभी तो पुतिन यूरोपियन लीडर्स के सिरदर्द बन चुके हैं। कारण है इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया, और इसीलिए रशिया पर नए नए सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और सैंक्शंस अभी तक पुतिन को रोकने में असफल ही रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, नए वीडियो बनाने का जज्बा बना रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।